सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामो की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। नगर निगम में कार्य में तीव्रता आई है और समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि महीनों लगातार कोशिश के बाद ही नगर को स्वच्छ बनाया जा सकता है। नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद द्वारा लगातार युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे सफाई अभियान से अब मोहल्ले वासियों की आस जगी है। तभी तो वर्षों से जाम पड़ी नालियों को साफ होने की उम्मीद छोड़ चुके निगम क्षेत्र के मोहल्ले वासी अब जागरूक हो रहे हैं और मुखर होकर अपनी समस्या को बता रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो चुका है कि उनकी परेशानी को दूर कर दिया जाएगा। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है ये नरकीय स्थिति वार्ड नंबर 12 का है, जहां हम नहीं गए वहां के जागरूक लोगों ने खुद वीडियो बनाया, अपनी पीड़ा बताई और हमें भेज दिया। चलिए सुनते हैं गंदगी के अंबार में रह रहे लोगों की परेशानी। ये तो एकदम बीमारी फैलने की आशंका है, तो रहना मुश्किल है इसी जगह। सब व्यक्ति इसी जगह सोते हैं, काम करते हैं। के सामने तो लग रहा है कि गमक से हम लोग रहने नहीं पाते। नली साफ होता है तो नली उठता नहीं, अपने से उठा के कहीं बाहर गिरना पड़ता है। उसके बावजूद में जब होता है तो लगता है कि बाल बच्चा बुतरू खेलने के लायक जो ना। मेरे घर के सामने तो सामने सामने है नली की, बच्चन के तबीयत खराब, डेली तबीयत खराब हो जाता है खाली गंदगी से। आप ही बताइए कि आदमी कैसे रहेगा। भेजे मकान है, अंदर में रहते हैं तब वो गंध आता है, घर में तबीयत खराब हो जा रहा है गंध। पिछले बार कई बार सुने थे कि नली के कारण घर में सांप भी निकल गया। हाँ, सांप दो बार घुसा, पौरो साल घुस गया था, अमीनो साल घुस गया था। कई महीनों से सफाई कर्मियों के नहीं आने और आने के बाद भी खाना पूर्ति कर चले जाने का आरोप लगा रहे वार्ड नंबर 12 के निवासी को अब उम्मीद नगर आयुक्त से है। रात रात में खुद खड़े होकर समस्या निपटाने वाले नगर आयुक्त से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही है। देखना है कब तक वार्ड नंबर 12 की समस्या का समाधान हो पाता है।